हमारी आंख में मौजूद इस होल का क्या काम है और क्रिकेट के मैच में इस्तेमाल किया गया वो सबसे पहला बैट कैसा दिखाई देता था और बाथरूम के सिंक में मौजूद इन होल्स का आखिर काम क्या होता है, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर वन, ये है थाईलैंड का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर वेटर की एंट्री मार्वल्स मूवी के किसी सुपर हीरो के एंट्री से कम नहीं। सोनेवा किरी नाम के इस रेस्टोरेंट को देखिए, यहां कैसे अपने कस्टमर्स को इस बैम्बू के कैबिन में बिठाकर उन्हें ऊंचाई पर ले जाया जाता है, जहां पर वेटर एक रोप की मदद से धमाकेदार एंट्री करते हुए खाना सर्व करता है और इनकी यही खासियत इस पूरे थाईलैंड में फेमस बनाती है इन्हें। तो जब भी थाईलैंड जाइएगा, यहाँ पर खाना जरूर खाइएगा। नंबर टू, दोस्तों आप सभी ने क्रिकेट मैच में इस्तेमाल की गई सबसे पहली ऑफिशियल बॉल को तो देखा ही होगा, जिसे आज भी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। लेकिन क्या आपने क्रिकेट मैच में उसे होने वाले सबसे पहले ऑफिशियल बैट को देखा है? तो आपकी स्क्रीन पर आप अभी जिस चीज को देख रहे हैं, ये वही बैट है जिसे सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर क्रिकेट मैच में 1770 में इस्तेमाल किया गया। और उस समय में क्रिकेट के बैट की शेप भी कुछ इस तरह की होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें बदलाव होने लगा और अभी आपकी स्क्रीन पर ये जो इमेज दिखाई दे रही है, ये हिस्ट्री है क्रिकेट के बैट्स की। इसमें उन बैट की पूरी इवोल्यूशन को दिखाया गया है। क्यों है ना अमेजिंग। नंबर थ्री, कुत्तों की तरह मत भौंको। ये बात हम ज्यादातर उन लोगों को बोलते हैं जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, लेकिन क्या हो अगर कुत्ता ही भौंकना बंद कर दे? तो इस कहावत का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। जी हाँ, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेसेंजी डॉग को ये और कुत्तों की तरह भौंक नहीं पाता। ये शिकार करने वाले कुत्तों की एक नस्ल है जो सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है। ये और कुत्तों से इसलिए अलग होते हैं क्योंकि इनके वोकल्स दूसरे कुत्तों की तरह वाइब्रेट नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही गूंगे हैं। सुनिए, ये कुछ इस तरह की आवाजें निकालते हैं जिसे भौंकना तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। नंबर फोर, हमारी आंख में उपस्थित इस होल का क्या काम है? आपने कभी ना कभी रोक कर तो देखा ही होगा। थोड़ा अटपटा सवाल है, लेकिन इस बात पर गौर फरमाया है कभी कि रोते समय आंख से पानी आने के साथ साथ हमारी नाक भी बहना शुरू कर देती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि हमारी आंख में प्रेजेंट ये होल सीधा नाक से कनेक्ट होता है। जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू इस होल के थ्रू हमारी नाक में चले जाते हैं, जिससे हमारा नाक भी बहना शुरू हो जाता है। मुमकिन है कि ये बात आपको आज तक पता नहीं होगी। अगर पता थी तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर फाइव, ट्रेंड की बात आती है तो सोशल मीडिया पर लोग अजीबोगरीब चीजें शुरू कर देते हैं। अब इन्हें ही देख लीजिए, ट्रेंड के नाम पर इन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले चार्ल्स वी बेंटले ने ट्रेंड के नाम पर अपने कान का बीचला हिस्सा ही रिमूव कर दिया। हमारे कान का बीचला हिस्सा शंख की भांति ही दिखाई देता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को कॉन्च रिमूवल कहा जाता है। हाँ, हो सकता है इसे रिमूव कराने के बाद थोड़े समय के लिए आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाए, लेकिन कहते हैं कि एक बार इसके आदि हो जाने पर सब नॉर्मल ही लगने लगता है। तो दोस्तों, कोई कुछ भी कहे पर मैं तो अपने साथ कभी भी ऐसा कुछ ट्राई नहीं करूंगा। नंबर सिक्स, सुबह जल्दबाजी के चलते कई लोग नाश्ते में ब्रेड और बटर खाना प्रिफर करते हैं, जिससे पेट भी भर जाता है और काम भी आसान हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है अगर व्हाइट ब्रेड की डेट एक्सपायर हो जाए तो उसमें कुछ इस तरह के टिनी ऑर्गेनिज्म पनपने लगते हैं, जिन्हें ब्रेड माइट्स के नाम से जाना जाता है, जो निश्चित ही आप नाश्ते में खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। आप इन्हें नेक्ड आईज से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। कुछ लोग ब्रेड के एक्सपायर हो जाने के एक दो दिन बाद भी उसे खा लेते हैं, लेकिन भूल कर भी दोस्तों ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि ये माइट्स आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकते हैं। और एक्सपायर डेट को जरूर चेक करें, वरना वेज की जगह नॉन वेज ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब इस इन्फॉर्मेशन को जरा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। नंबर सेवन, हम सभी को सिंक के ड्राइन होल का फंक्शन तो पता ही है। इस होल को आप बंद करके पानी को रोक कर चीजों को धो सकते हो और काम खत्म होने के बाद ड्रेन होल से पानी को सिंक से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन आपने सिंक में एक और होल देखा होगा, तो इसका आखिर पर्पस क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये किस काम में आता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनियर्स ने इसे इसलिए डिजाइन किया है ताकि पानी सिंक से ओवरफ्लो न हो, और अगर आप गलती से टैप को खुला छोड़कर इधर उधर चले जाते हो तो ऐसे में ये होल पानी को ओवरफ्लो नहीं होने देगा, जिससे आप अपने ही घर में आई बाढ़ में डूबने से बचे रहेंगे। नंबर एट,
भारत की अद्भुत इमारतें, यहाँ के उत्सव और यहाँ की संस्कृति को किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। और इस ट्रेन ने तो भारत की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। इसका नाम है महाराजा एक्सप्रेस, जिसकी टिकट की कीमत है 18 लाख रुपए। अब हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग तो इस ट्रेन का सफर भी भूल जाएं। लेकिन जरा रुकिए, क्यों ना इस ट्रेन की सबसे सस्ती वाली टिकट ही खरीद ली जाए। तो आपको बता दूं कि इस ट्रेन की सबसे सस्ती टिकट की कीमत है 2 लाख रुपए। हंसी तो जरूर आई होगी मेरी बात सुनकर। दरअसल ये ट्रेन विशेषतः विदेशी पर्यटकों के लिए ही बनाई गई है और ये किसी 10-स्टार होटल से कम नहीं। तो आज के लिए बस इतने ही मजेदार फैक्ट्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।